हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। ओके व्यूवर्स, तो एक रीडिंग होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। अगर आपके पार्टनर के साथ में आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, आप ब्लॉक हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हो, तो उसको लेके ये रीडिंग होने वाली है। अगर आप इस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन है आप देख सकते हैं इस रीडिंग को आके। ओके, रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर को, पार्टनर की लाइफ में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या वो आपके लिए सोचते हैं, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ के अंदर। ओके व्यूअर्स, तो देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, बताइए इनके पर्सन किस सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं वो इनको लेके, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। इस रिलेशन के बारे में उनके क्या विचार हैं, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस। सो पहला कार्ड है गाइज हमारे पास द फूल का। वी हैव एस ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड वी हैव थ्री ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, बताइए इनके पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड द क्रिएटर, सक्सेस, चेंज, ब्लैंक, क्रिएटिविटी। ओके व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन हेल्प करिए। द मून, गॉडेस ऑफ द मून, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, जर्नी। ओके, डोर टू स्प्रिट, गार्डन एंड द गेट। ओके व्यूअर्स, कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन, इस तरह से बॉटम ऑफ द डेक है, गोइंग विद द फ्लो। ओके, ओके व्यूअर्स, आपके पर्सन गाइस एक यहां पे सबसे पहले जो कंडीशन नजर आ रही है आपके पर्सन की फीलिंग्स या उनके दिमाग की बात करें तो आपके पर्सन गाइज इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन गाइज यही बताती है कि आपके पर्सन ने आपसे अलग होके बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनको एक्सपीरियंस हुआ है आपसे अलग होके, जैसे कि एक आपके वैल्यूज ही उनकी लाइफ में उनको नजर आने लगी है। पहले वो आपकी कदर नहीं करते थे, जस्ट एक प्लेइंग नेचर था उनका, ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके साथ में। आपके पर्सन ने जब से नो कॉन्टेक्ट किया है, एक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में आए हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। जो पर्सन जो पहले एक इमेच्योर था, वो रिलेशनशिप की या फिर एक प्यार की कदर नहीं करता था, जैसे उसके साथ में उसका खेलने का नेचर था, जैसे उसका मन भर गया, उसने आपको छोड़ दिया और वो चला गया, एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है उसकी, पास्ट की एनर्जी। लेकिन जब से उसने आपके साथ में उसका नो कॉन्टेक्ट हुआ और उसने आपको ब्लॉक किया, ये सब चीज़ें हुई लाइफ के अंदर,
तो स्टेप बाय स्टेप इसमें टाइम लगा है, एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ये आपसे दूर होता गया पर्सन, इसको पहले तो ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, इसकी इसकी नॉलेज चेंज होती गई, यानी इसकी जो थिंकिंग है आपको लेके वो चेंज होती गई, बहुत कुछ इसने एनालाइज किया, बहुत कुछ इसने एक्सपीरियंस किया आपसे अलग होके, ये चीज़ें गाइज मुझे नज़र आ रही हैं। फिर इस पर्सन ने गाइज एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, फिर इसने वैल्यू करी है, उनको प्रायोरिटी दी अपनी फीलिंग को, जो ये फीलिंग को आपके लिए अवॉइड करता था, यानी एक एक ट्रू हार्ट फीलिंग इमोशनल, कभी कभी इसका मन भी करता था आपसे बात करने का, पर उस समय ये बात को इग्नोर कर देता था। कहते ना अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देना, उसको रियलाइज़ किया कराया जाता था डिवाइन की तरफ से, उसको सिग्नल भेजे जाते थे कि आप बात करो, आगे बढ़ो, इस रिलेशनशिप को लेके इसके बारे में सोचो, इसको जैसे सपने में आपके बारे में ड्रीम्स आना, इसके लाइफ में वो चले हैं, आपके कुछ तस्वीरें सामने आना, कुछ बात सामने आना आपकी, तो इस तरह से सिग्नल इसकी तरफ भेजे गए हैं। तो धीरे धीरे गाइस ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, अब ये सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ के अंदर कि इसके सपनों में भी आप आते हो, छोटी छोटी बातों में आपका अक्स दिखाई देता है इस पर्सन को। तो चाहे या ना चाहे आपकी जो एक आपकी एनर्जी है इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है गाइस, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, ये सब चीज़ें अभी सडन स्टार्ट नहीं हुई हैं, इसको होते हुए आई थिंक अराउंड गाइस मैं बात करूँ तो एक पूरा एक महीना या फिर कह सकते हैं गाइस एक पूरा साइकिल निकल चुका है, एक मून साइकिल पूरा इसके ऊपर इन्वॉल्व हो चुका है। यहाँ पे मुझे ये स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि एक मून साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ है, जैसे शुरुआत से लेके मैच्योरिटी तक। तो इन दिनों में यानी जो अभी एक मून साइकिल गाइस गुजरा है, इन दिनों इसके ऊपर आपकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तब से इस पर्सन के ऊपर इस पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा इस पर्सन के अंदर अंदर, इसकी फीलिंग्स बदलने लगी हैं आपको लेके, जो ये आपको पूरी तरह से भूल चुका था उसको दोबारा से आपकी याद आने लगी है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि गाइज हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एक प्यार वाली एनर्जी गाइज इस पर्सन की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी वैल्यू कर रहा है, जो वैल्यू नहीं कर रहा था ये पर्सन, प्यार की इसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, इग्नोरेंस इसके दिमाग पे चढ़ी हुई थी। तो अब इसके दिमाग में गाइज जो आपकी एक इमेज बनी थी ना वो थोड़ी बदल रही है, ठीक है, जो आपके बारे में इसकी थिंकिंग थी वो चेंज हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में यहाँ पे चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन दिमाग से ना सोच के, जो पहले दिमाग से सोचता था, जिस जिसको लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब वो दिल से मजबूर है, दिल के हाथों मजबूर है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये दोनों ही पार्ट को साथ में लेके चल रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी और आपकी फीलिंग्स को लेके भी, ठीक है। जो एक डार्क साइड था, जो इसने कहीं ना कहीं छुपा रखी थी अपनी फीलिंग को, इसने इग्नोर करा हुआ था, उनके साथ में ये अब मूव ऑन हो रहा है, उनके साथ में आगे बढ़ रहा है, तो फीलिंग्स भी इनके ऊपर, इसकी पर्सन के ऊपर मुझे हावी होती हुई नज़र आ रही है। अब ये पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि इसे आपसे बात करनी चाहिए, इसके दिल में आ रही हैं, अभी इसने करी नहीं होगी आपसे बात इसके, लेकिन दिल में आ रही है चलो कहीं ना कहीं उससे एक बार बात कर लेते हैं, याद आ रही है क्योंकि उसे आपकी, क्योंकि आप उसके ड्रीम्स में आते हो, उसके सपनों में आते हो, उसको रियलाइज़ करवाते हो कि मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ में हूँ, मैं गई नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं अभी भी हूँ और तुम्हें मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत है, तुम इन चीज़ को देखो, तो आप इनको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो अभी तो इसके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि चलो एक बार उससे बात कर लेते हैं, आपकी यादें सता रही हैं मुझे, ठीक है गाइज़। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी तरफ गाइज, ये पर्सन अगेन हमारे पास जर्नी का कार्ड है, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ये भी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि वही गाइज चेंजेस आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस, चेंजेस की एनर्जी गाइज बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चेंजेस हवाओं में बदलाव है, इसके विचारों में बदलाव है, इसके व्यवहार में बदलाव है, इसकी थिंकिंग में बदलाव है, और कहीं ना कहीं ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं ना, ये इसको अपनी ट्विन फ्लेम के साथ में, अपने सोल कनेक्शन के साथ में कनेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन इसको इस तरह के एहसास करा रही है। यहाँ पे अगर कार्ड देखेंगे गाइज तो ये कार्ड सारी राशियों को कंबाइन करके लेके चल रहा है, सारी एनर्जी को कंबाइन करके लेके चल रहा है। कंबाइन कहाँ पे फोकस हो रहा है, सिर्फ सोल कनेक्शन के ऊपर। तो ये बदलाव की लहर चल रही है इस पर्सन के चारों ओर,
जो इसको धकेल रही है अपने पार्टनर की तरफ, अपने प्यार की तरफ, ये प्यार की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपके लिए इसकी सोच भी बदल चुकी है, ठीक है। जो वैल्यू नहीं कर रहा था पर्सन, वो वैल्यू कर रहा है। तो वैल्यू गाइज यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है गाइज, अभी देखो एफर्ट्स तो नहीं ले रहा है, यहाँ पे ये क्लियरली नजर आ रहा है, एफर्ट्स नहीं ले रहा, बस दिमाग में इसके बहुत सारी चीजें चल रही हैं, रैपिडली चल रही हैं। पुरानी यादों को याद करता है, पुराने बीते हुए पलों को याद करता है या करती है, उनको उनको प्रेफरेंस ज्यादा देता है, उसमें इंजॉय करता है आपका पर्सन। जब भी वो चीजें सामने आती है इसकी, तो उसे खुशी होती है, जैसे चेहरे पर मुस्कान सी आ जाना। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, अपने अंदर वो कमी ये महसूस कर रहा है, जो कमी इसे आपकी याद दिलाती है। तो इसे वो चीजें रियलाइज हो रही हैं कि मेरी लाइफ में कमी है, और कमी कहीं ना कहीं वो मेरे प्यार की है, मेरे साथ की है, जिसको मैं मिस करके आ चुका हूँ, जिसको मैं छोड़ के आ चुका हूँ पीछे कहीं ना कहीं। तो मिसिंग एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि जो आप अगर इसकी वाइफ भी हैं, इसका हस्बैंड है, या इसके साथ में बहुत टाइम से कनेक्शन आपका रहा है, तो उस कनेक्शन को ये मिस कर रहा है आपका पर्सन। तो यहाँ पे गाइज ये चीजें नजर आए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, पर इसके अंदर थोड़ी सी ईगो भी है गाइज यहाँ पे, कि चाह के भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये चीजें गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपसे कनेक्ट होना चाहता है आपका पर्सन, पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके व्यूअर्स, अब बात करते हैं चेंजेस की, कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके सोच में चेंजेस आ रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये कार्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये चेंजेस को ही दिखाता है, बट चेंजेस को भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे चेंजेस ये दिखा रहे हैं कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन ये चेंजेस कब तक आएंगे, कब तक ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व है, बहुत सारी राशियां इन्वॉल्व है, हर एक पर्सन दूसरे से अलग होता है, उसकी एनर्जी अलग होती है, उसके विचार अलग होते हैं, बहुत कुछ अलग होता है। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे अभी टाइम को फ्रेम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, इसके दिल में वो बातें आपकी फिर से क्रिएट हो रही हैं, आपको लेके आपका पर्सन सोच रहा है। एक गाइज यहाँ पे एक कार्ड जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय चेंज होगा, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी आपकी तरफ, ये और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय यही बताता है कि ये जो पर्सन है दिल के हाथों मजबूर होके आपसे जल्दी ही बात करेगा, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे मुझे नजर भी आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं गाइज आने वाला समय एक कनेक्शन को दिखाता है एस्टैब्लिश होते हुए, कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, बट उसमें वेट करना पड़ रहा है। वेटिंग टाइम गाइज यहाँ पे जरूर इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना ज्यादा इस पर्सन के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इतनी जल्दी क्विकली डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इग्नोरेंस वाली सिचुएशन है गाइज यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन जो है इग्नोरेंस कर रहा है, अपनी अपनी फीलिंग को अभी भी इग्नोर मार रहा है, ठीक है। उसको समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। अगर ये पर्सन मेरे सपनों में आ रहा है, डिवाइन मुझे इसकी याद दिला रहा है, इसकी बातें, इसकी चीजें मेरे सामने आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं, ये इन चीजों को अभी भी इग्नोर कर रहा है। तो इग्नोरेंस की गाइज यहाँ पे वजह नजर आ रही है, जिसको लेके ये पर्सन कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह में नजर आ रहा है, जैसे राउंड एंड राउंड अपनी फीलिंग्स में और अपने दिमाग के बीच में घूमता चला जा रहा है। तो ये चीजें गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। इसके पास ये इजिली आपसे कनेक्ट हो सकता है, ईजिली आपसे बात कर सकता है, सिर्फ एक कॉल ही तो मिला नहीं है, लेकिन वो नंबर भी तो डायल करे ये पर्सन, है ना। वो नंबर डायल करने की गाइज यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, तो नो कॉन्टेक्ट गाइज जिनका भी चल रहा है यहाँ पे लाइफ में, आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का गाइज भी कार्ड भी यही बताता है कि ये जो पर्सन है द हर्मिट, अपने अंदर गाइज वो चीजें तलाश रहा है, अपना आपका पर्सन, मतलब वो पास्ट वाली लाइफ को एनालाइज कर रहा है, अपने किए हुए बिताए हुए आपके साथ में टाइम को उसको देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अपने अंदर की कमी को भी फील कर रहा है कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में और वो कमी मुझे पूरी करनी है, ये चीजें नजर आ रही है, पर अभी मूवमेंट नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात का इस यहाँ पे है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट मिसिंग नजर आ रही है। पर आपके लिए डिवाइन ने आपके लिए कहीं ना कहीं वो डोर ओपन करा है, जिसके थ्रू ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी गाइस एक समय के बदलाव को दिखाता है, कर्मा के साइकिल को
चेंज होने को दिखाता है, वो चीज़ें गाइज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके, तो एक साइकिल जो आपकी लाइफ में गाइज चल रहा है, एक पेशेंस का और एक वेटिंग टाइमिंग का, ये टाइमिंग एंड हो रहा है। एक नया साइकिल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है जो इस पर्सन को ही आपकी तरफ रिवर्स लेके आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन गाइज अब आपके लिए इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशन, इसकी भावनाएं चेंज हो रही हैं। ओके, तो कुछ गाइज और कार्ड्स भी लेते हैं, एंजल गाइडेंस कार्ड लेते हैं गाइज। ओके, एंजल्स क्या बताते हैं आपके लिए, सो प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिएगा। हवाएं भी यहाँ पे यही इस पर्सन को बताने की कोशिश कर रही हैं कि भाई एक्शन ले लो, आगे बढ़ो, है ना। रिकवरी, मैंने बोला गाइज कि बदलाव आ रहा है, रिवर्स हो रही है सिचुएशन, मतलब जो पर्सन जा चुका था वो ही रिटर्न कर रहा है। लाइफ में पेशेंस का फल मिल रहा है, वेटिंग का फल मिल रहा है, रिकवरी हो रही है रिलेशनशिप के अंदर, हीलिंग हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत अच्छी गाइज एनर्जी यहाँ पर आपके लिए वर्क कर रही है। ओके, कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट क्लियरली, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में बातें क्लियर हो रही हैं, एक दूसरे के साथ में आगे लेके रिलेशनशिप को बढ़ रहे हैं, ये एनर्जी आपके लिए वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है गाइज ये आपसे बात करना चाहता, ऑलरेडी हमारे पास ये कार्ड निकल के आया था, ये आपसे बात करना चाहता है, तो बातें होंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, बट थोड़ा सा भी पेशेंस के साथ में अभी आपको और वेट करना पड़ सकता है। ओके, वो कब तक होंगी, ये टाइम को गाइज अभी एक कार्ड के थ्रू अभी इन्होंने नहीं बताया है कार्ड ने कि वो कब तक होंगी। ओके, फॉरगिवनेस, तो कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पे रिलीज भी करनी होंगी, कि एक दूसरे को माफ़ भी करना होगा, एक दूसरे की गलतियों को छोड़ना भी होगा, उन्हें भूल जाना भी होगा, तो ये सब चीज़ें गाइज होने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर। उस पर्सन ने आपका हर्ट करा है, आपका दिल दुखाया है, ठीक है, तो पेन तो ज़रूर है, लेकिन उस पेन, अगर इस पर्सन के साथ में आपको कनेक्ट होना है क्योंकि आपने वेट बहुत किया है, तो ये जो पुरानी बातें इन्हें भूलना भी होगा, ठीक है, उस पेन को भूलना भी होगा, तभी इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती है। ओके गाइज, अभी हमारे पास कार्ड है नो का, मैंने बोला कि अभी वो टाइम नहीं आया कि वो पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, मैंने बोला वेटिंग टाइम है, तो वो टाइम अभी नहीं आया। जो लोग, अगर आपने पूछा कि अभी कॉल आ जाएगा, आई थिंक किसी के दिमाग में ये वाली बात हुई होगी गाइज, तो हो सकता है कि नहीं भी आएगा, थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। ओके, इफ यू बिलीव, अगर आपका फेथ है डिवाइन में, तो सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस जो आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लेके आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो बिलीव रखिए, अगर आपका बिलीव है कि हाँ मेरी भक्ति, मेरा विश्वास टूटेगा नहीं, मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, डिवाइन मेरे साथ है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होंगी, पर उसमें टाइम लगेगा, अभी वो सही समय नहीं आया है। ओके, तो गाइज ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी, अगर गाइज की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।